बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील के पूर्व सीओ जियाउल हक हत्याकांड में 10 लोग दोषी ठहराए गए हैं। सीबीआई स्पेशल कोर्ट लखनऊ ने 10 को दोषी ठहराया है। 9 अक्टूबर को सजा का ऐलान होगा। आपको यहां जानकारी दे देते हैं कि 2 मार्च 2013 को कुंडा के तत्कालीन सर्किल ऑफिसर जियाउल हक की लाठी डंडे से पिटने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में विधायक राजा भैया और उनके करीबी गुलशन यादव पर भी गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन सीबीआई पहले ही दोनों को क्लीन चिट दे चुकी है। दरअसल प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद हतिगवां के बलीपुर गांव में तनाव बढ़ गया था, जिसको शांत कराने के लिए सीओ जियाउल हक पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे। उधर बरेली में हिंदू लड़के से शादी करने वाली मुस्लिम लड़की ने इज्जत नगर पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। दरअसल पुलिस समुदाय के लोग शादी करने वाले हिंदू लड़के के परिवार पर जानलेवा हमला कर चुके हैं, लड़के की कार में तोड़फोड़ कर चुके हैं। लड़की ने अपनी मर्जी से हिंदू लड़के के साथ शादी की है, इसका वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद अब लड़की की तरफ से सुरक्षा की गुहार लगाई जा रही है। लड़की के परिवार वालों के खौफ से लड़का और लड़की छिप छिप कर रह रहे हैं। पंडित जी आप भर जाओ, हैं? फोटो खींच ले भैया। आप गांव में बेटा पैदा हुआ। कोई पुलिस केस करने की जरूरत नहीं है। अगली खबर उन्नाव से है, जहां पर बांगरमऊ एसडीएम ने एक सरसों तेल कारखाने पर अचानक से छापेमारी कर डाली। अचानक से हुई छापेमारी की इस खबर को सुनते ही तेल व्यापारियों में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल हो गया। एसडीएम और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने ब्लॉक रोड चौराहे के पास में एक कारखाने में पहुंचकर ये जांच की है। छापेमारी के दौरान 8 सैंपल्स इकट्ठे किए गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। सैंपल्स आने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में जांच की गई है और सैंपल लेके खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भेजे हैं। जांच की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई। कितने सैंपल भरे गए? 2 चीज़ों के सैंपल भरे गए हैं। कौन कौन चीज़ है उसमें? सोयाबीन का तेल है और सरसों का तेल। बढ़ते हैं आगे, नोएडा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सेक्टर 27 से एक घर से चोरों ने दिन में लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। घर के अंदर रखे दूल्हा दुल्हन की कीमती गहने लेकर भी चोर फरार हो गए हैं। तकरीबन 15 लाख के गहने, दुल्हन के श्रृंगार का सामान, ये सब चुरा लिया गया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में चोर की कैद हुई हैं। आसपास के लगे हुए सीसीटीवी कैमरों में चोर की तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। अब पुलिस इन्हीं तस्वीरों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और ये बढ़ते हैं आगे, बरेली से खबर है, जहां पर एक अजीब मामला सामने आया। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने लड़की के पेट में 2 किलो के करीब बालों का गुच्छा निकाला है। बाल लगभग 2 kg के अबाउट में होंगे। उसका जो स्टमक था पूरा पूरा अंदर से पैक था और कुछ हिस्सा उसका हाथों की तरफ भी जा रहा था। तो जो ऊपर की आंतें होती है ड्यूडेनम होता है, वो भी मतलब 1/3 ड्यूडेनम भी पैक था और आंतें पूरी पूरी कहते हैं स्टमक पूरा ही पूरा पैक था। लास्ट 16 ईयर से वो मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से थी, बालों को खा रही थी। तो पिछले 1.5 साल से वो सॉलिड खाना मतलब नहीं खा पा रही थी। जब भी वो सॉलिड कुछ खाती थी उसको उल्टी होती थी, तो बस वो पानी जैसी चीज़ें ही ले पा रही थी। तो ये प्रॉब्लम थी इसकी। बरेली में हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। हिंदू संगठनों ने थाने पहुंचकर आमला के शेखो किंग खान नाम के एक सोशल मीडिया की शिकायत की है। संगठन के लोगों ने कार्रवाई ना होने पर प्रदर्शन की बात भी कही है। मामला यह है कि एक आंवला में व्यक्ति है शेखो किंग खान करके, वो व्यक्ति लगातार हमारे सनातन धर्म पे अभद्र टिप्पणियाँ कर रहा है
हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणियाँ कर रहा है। हमारे बागेश्वर धाम के मठाधीश हैं पूज्य संत श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन पर टिप्पणियाँ कर रहा है, जिसके प्रधानमंत्री पर टिप्पणियाँ कर रहा है। तो उसकी लगातार पोस्टें हम लोगों ने देखी हैं, तो हम आज थाने में के सूचनार्थ FIR देने आए हैं कि उसको कार्रवाई करी जाए। कुशांबी से खबर, जहां पर गैंगरेप पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि मुकदमे में सुलह नहीं करने पर आरोपी पीड़ित महिला ने गिरफ्तारी की इनकी गुहार लगाई है। मामला कोखराज थाना इलाके का है, जहां 10 दिन पहले महिला को अगवा करके 5 लड़कों ने गैंगरेप किया। महिला का अश्लील वीडियो बनाकर 3 दिनों तक गैंगरेप किया गया। मामला अधिकारियों ने संज्ञान में ले लिया है। अब 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई। ऐसे में अब आरोपी मुकदमे से सुलह नहीं करने पर महिला को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस महिला ने आगजनी की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। FIR हो गई, मेरा मेडिकल हुआ, लेकिन पुलिस वाले ना उनको पकड़ रहा है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी, जो कोई भी हो, मेरा निवेदन है आपसे कि उन लड़कों को पकड़ा जाए, जेल में डाला जाए, क्योंकि मेरे घर आते हैं, धमकी देते हैं, एक बार घर जला चुके हैं, दोबारा बोलते हैं कि दोबारा घर जला देंगे, आप अपनी कार्रवाई वापस लीजिए, नहीं तो सबको जान से मार देंगे। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। सुबह से ही देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हजारों की तादाद में भक्त मां के जयकारे लगाते हुए मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ का ये रूप बेहद सौम्य और शांत, जो सुख समृद्धि प्रदान करता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, सुखों में वृद्धि होती है और सामाजिक प्रभाव भी बढ़ता है।